तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि एक वॉलेट एड्रेस जनरेट कैसे करते हैं, पब्लिक की प्राइवेट की क्या होता है। हम लोगों ने टू डिफरेंट वॉलेट एड्रेस जनरेट किया हमारे लिए, मेटामास्क के अंदर और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलेट डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारे पेपर पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पास है हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ पे पेन लेके, यहाँ पे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉलेट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स। ठीक, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स। ओवरऑल जो आपके क्रिप्टो वॉलेट्स है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, और एक होता है हार्डवेयर वॉलेट्स। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट्स। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स और हार्डवेयर वॉलेट्स, नाम से ही पता चल रहा है। सॉफ्टवेयर मतलब कोई टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मतलब आपको आपको ये कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना होता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये होता है आपके लिए मोबाइल वाले, मोबाइल के अंदर, मोबाइल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म हो गया, iOS हो गया, वहां पर आपके लिए अवेलेबल होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल वॉलेट्स। फिर होता है हमारा डेस्कटॉप वॉलेट्स, डेस्कटॉप वॉलेट्स। ठीक है, फिर होता है ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर स्टोर होता है आपका ब्राउजर वॉलेट्स। क्या होता है आपके मोबाइल वॉलेट्स, आपका डेस्कटॉप वॉलेट्स, आपके ब्राउजर वॉलेट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। मोबाइल वॉलेट के अंदर हम लोगों ने देखा वो वीडियो के अंदर ट्रस्ट वॉलेट हम लोगों ने इंस्टॉल किया, ट्रस्ट वॉलेट। तो ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के फॉर्मेट में आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, तो वो हो गया ट्रस्ट वॉलेट का एग्जाम्पल। डेस्कटॉप वॉलेट में रेवन का आता है, रेवन कोर, ये एक वॉलेट है जो डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसा हो जाएगा आपका। वहां पे आपकी प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज स्टोर होगी आपके डेस्कटॉप के अंदर। ब्राउजर के अंदर हम लोगों ने मेटामास्क इंस्टॉल की है, मेटामास्क। ठीक है, ऐसे मेटामास्क हो गया, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के वॉलेट्स होते हैं जो ये चीजें देते हैं। मतलब आपको अगर आपको मोबाइल पे इंस्टॉल करना है तो मोबाइल के लिए अलग एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, डेस्कटॉप के लिए मिलेगा, ब्राउजर पे आप अपने इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हो गए सॉफ्टवेयर वॉलेट। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में ना, ये सब जो हमने डिस्कस किए ये होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स, ये हो गए डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स। अभी ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में ना आपको सेंट्रलाइज वॉलेट्स भी मिलते हैं थोड़े, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और समझते हैं सेंट्रलाइज वॉलेट्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइज वॉलेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं ना, ये थोड़ा टफ होता है मैनेज करना। आपको भी पता है कि अपनी पब्लिक की प्राइवेट की आपको अपना सीड फ्रेज याद रखना है, और उसके बाद में भी अगर अगर आप अपना सीड फ्रेज भूल गए तो आप अपने वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हर एक यूजर इतना टफ चीज कर नहीं सकता, इतना कॉम्प्लेक्स चीज कर नहीं सकता। तो क्या होता है, कोई कोई सेंट्रलाइज कंपनीज होती है, जैसे कि एक होता है बाइनेंस, यूबी हो गया आपका, ठीक है, फिर और अपना कौन सा आता है, बाइनेंस हो गया, यूबी आ गया, बायबिट हो गया, ये डिफरेंट एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जब आप इनकी वेबसाइट पे या इनके एप्लीकेशन पे जाके अपने लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपने जीमेल से, मोबाइल नंबर से, अपना पैन आधार आपको देना पड़ता है, जब अपना अकाउंट क्रिएट करते ना, तो ये आपके लिए सेंट्रलाइज वॉलेट्स क्रिएट करते हैं। ये वॉलेट्स ये मैनेज करते हैं, बाइनेंस मैनेज करेगा। अगर आपने बाइनेंस के लिए अकाउंट क्रिएट किया तो बाइनेंस मैनेज करेगा। आप अपने फंड्स को सिंपली मार्केट से बाय एंड सेल कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं आप अपने फंड्स को, और आपके जो फंड स्टोर हो गए ये सेंट्रलाइज वॉलेट में स्टोर हो गए। ठीक है, मतलब आपको ये सब चीजें मैनेज नहीं करना, आपको सीड फ्रेज और इसका जो भी कीज वगैरह को मैनेज नहीं करना होता, ये सब मैनेज करते हैं आपके लिए बाइनेंस। कल को अगर आप भूल भी गए अपना अकाउंट, इसमें क्या होता है, आपको सीड फ्रेज और कीज तो पता ही नहीं होता है, आप अपना अकाउंट जीमेल से या मोबाइल नंबर से लॉग इन करते हैं। कल को अगर अपना पासवर्ड भूल गए लॉग इन करने के लिए, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मली आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं ना, फॉरगॉट पासवर्ड, वो करके आप ओटीपी वेरिफिकेशन करवा के अपने अकाउंट को री लॉग इन कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी देता है, मतलब आपको एक ऐसा देता है कि आपको कोई भी चीज नहीं करना, ये सब चीजें जो इंटरनल डिटेल्स रहती है ये आपको नहीं करना है, बाइनेंस वाला खुद मैनेज करेगा ये चीज है, यूबी वाला खुद करेगा, बायबिट वाला खुद करेगा ये चीज है, और आपको उनके वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना है, आप उनके लिए आप ट्रेडिंग करोगे तो उनका थोड़ा सा कमीशन होगा, इस बेसिस पर पूरा बिजनेस चलता है। तो ये होता है हमारा सेंट्रलाइज वॉलेट्स। बट इसमें क्या होता है, हमें हमेशा ऐसा पता है कि सेंट्रलाइज वॉलेट मतलब सेंट्रल अथॉरिटी, और सेंट्रल अथॉरिटी पे हमेशा ट्रस्ट का इशू रहता है। बहुत ऐसा हुआ है कि एक्सचेंजेस, जैसे अभी बीच में FTX का फंड हुआ, तो FTX का एक एक्सचेंज है जिसका फंड हो गया, मतलब फंड हो जाना मतलब वहां पे कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम हुए जिसकी वजह से वो एक्सचेंज डूब गया, वो एक्सचेंज के जो फंड थे वो लॉक हो गए बहुत लोगों के। तो ये सब इश्यूज होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होने की वजह से। तो यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक लाइन हमेशा चलती है, नॉट योर कीज, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो, नॉट योर क्रिप्टो।
इसका मतलब क्या है, अगर वो आपकी कीज नहीं है मतलब आपके क्रिप्टोस नहीं है, सिंपली हमको पता है कि हमारे क्रिप्टो करेंसीज की जो इंपॉर्टेंस है, जो स्टोर होता है, वो हमारी पब्लिक की प्राइवेट की के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे सीड फ्रेज से जो प्राइवेट की जनरेट होती है, जो पब्लिक की जनरेट होती है, उसके अंदर हमारे फंड स्टोर होते हैं, वहां पर हमारे ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होता है। बट यहाँ पे सेंट्रल एक्सचेंजेस के अंदर तो आपकी कीज है ही नहीं, वो लोग मैनेज कर रहे, तो यहाँ पे एक ही चीज है कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोस। भले आपको एक्सेस मिल रहा है, हर चीज आपके लिए है, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी है, हमें इन पर ट्रस्ट करना है, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नहीं होता। डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपकी कीज है, आपकी प्राइवेट की, आपका सीड फ्रेज आपको संभालना है, आपकी जिम्मेदारी। तो ये होता है हमारा सेंट्रल वॉलेट। तो ये भी कैसे होते हैं, एक टाइप के सॉफ्टवेयर वॉलेट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ब्राउजर हो गया आपका, और फिर क्या आ गया आपका, सेंट्रलाइज वॉलेट्स आ गया। तो ये टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप डाउनलोड करोगे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर और एक्सेस करोगे। फिर होते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होता है, ये ना ऐसे हार्ड डिस्क के फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे आपको छोटा सा ऐसा डिस्क मिलेगा, ऐसे हार्ड डिस्क के फॉर्म में होता है, जो आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, और इनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उनके थ्रू आप ये वॉलेट को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने फंड्स को स्टोर करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, और जब भी चाहे आप अपने वॉलेट का कंप्यूटर में से डिस्कनेक्ट कर दो, और आपका हार्ड डिस्क के फॉर्म में, मतलब जो आपके फंड्स है, जो प्राइवेट की पब्लिक की और वो है, वो आपकी हार्ड डिस्क के जैसे फॉर्मेट के अंदर स्टोर्ड है, वो कहीं भी आपके कंप्यूटर में नहीं है, आपके मोबाइल में नहीं है, ब्राउजर पे नहीं है, कहीं भी आपकी की स्टोर नहीं है, आपके हार्डवेयर, आपके वॉलेट के अंदर, आपके हार्डवेयर के जो वॉलेट है उसके अंदर स्टोर्ड है। तो ये ज्यादा सिक्योर है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक एक्सेस नहीं है आपकी कीज का। ऐसा नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर्ड है तो आपको डर के कहीं ना कहीं मेरा कंप्यूटर हैक हो गया या मेरा मोबाइल हैक हो गया तो कीज कहीं लीक हो सकती है। तो ये ज्यादा सिक्योरिटी देता है, ज्यादा सिक्योरिटी, बट ये उतना ही, वही आपको वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर आपको हर एक ट्रांजेक्शन करना है, हर चीज करना है, तो आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये ज्यादा लेवल की सिक्योरिटी दे रहा है और आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये होता है हार्डवेयर वॉलेट, जिसमें जैसे एक कंपनी होती है लेजर, जो हार्डवेयर वॉलेट्स बनाती है, तो इनके लिए आप हार्डवेयर वॉलेट्स को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा, आप अपने फंड्स को कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से परचेस करके अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गए हार्डवेयर वॉलेट्स। फिर आते हैं पेपर वॉलेट्स। पेपर वॉलेट्स, पेपर वॉलेट्स क्या होता है पता है, पेपर वॉलेट्स में ना आपकी जो पब्लिक की और आपकी प्राइवेट की और ये सब जो कीज होती है ना और सीड फ्रेजेस, वो आप ना एक पेपर पे स्टोर करते हैं। पेपर जैसे एक पेपर, मतलब रफ पेपर ऐसा हो गया, उसके ऊपर आप ऐसा स्टोर करके रखते हो, आप अपने पास उस चीज को संभाल के रखते हो, वो पेपर को संभाल के रखते हो, कोई भी वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होता, ये इंटरनेट से ना कनेक्टेड ही नहीं होता। आपको जब भी ट्रांजेक्शन करना है, आपको मैन्युअली सॉफ्टवेयर पे जाके अपनी प्राइवेट की देख के पेपर पे लिखना पड़ता है, वहां पे आप ट्रांजेक्शन करोगे, डिलीट कर दोगे, हो गया। हर बार जब आपको ट्रांजेक्शन करना है, आपको अपनी पब्लिक की प्राइवेट की अपने पेपर पे देख के वो सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है, वो पब्लिक की प्राइवेट की का अकाउंट नंबर यूज करके आपको ट्रांजेक्शन करना है, डिलीट करना है, हड़ी, मतलब आपका कहीं भी कुछ भी नहीं, हर बार आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए प्राइवेट की, पब्लिक की प्राइवेट की डालना होगा। तो ये होते हैं पेपर वॉलेट्स, बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं बट उतना ही ज्यादा टफ भी होता है, हर बार आपको अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की को डालना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये होता है पेपर वॉलेट्स। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में होते हैं मोबाइल वॉलेट्स, डेस्कटॉप वॉलेट्स, ब्राउजर वॉलेट्स, हम लोगों ने मोबाइल वॉलेट्स और ब्राउजर वॉलेट्स तो हम लोगों ने बना के भी देखा हमारी प्रीवियस लैब के अंदर, जिसका आई बटन आपको लिंक मिल जाएगा। फिर हमने देखा हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, जिसका मतलब जो ऐसे हार्ड डिस्क के फॉर्म में होता है, उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है, लेजर कंपनी का होता है। फिर हमने पेपर वॉलेट्स देखा, पेपर वॉलेट्स में हम हमारी पब्लिक की और प्राइवेट की पेपर पे स्टोर करते हैं। फिर हमने देखा सेंट्रलाइज वॉलेट्स, सेंट्रलाइज वॉलेट्स कौन कौन देता है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गया, यूबी हो गया, बाइबिट हो गया, ये आपको प्रोवाइड करते हैं अपना वॉलेट, बट वो मैनेज करते हैं, आपको अकाउंट नंबर आपके जीमेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है, आप अपने फंड्स को बाय सेल कर सकते हैं, आप लेवरेज पे लगा सकते हैं, आप उसके बाद में स्टेकिंग कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, बट अगर आप कल को पासवर्ड भूल जाते तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके देते हो। तो एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, मतलब उन पर हमें ट्रस्ट करना है, हमारे फंड्स वो मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपके कितने लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको अपने फंड्स खुद मैनेज करना है तो आप एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे बेसिक फंड्स है, नॉर्मल से फंड्स है, अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी मैनेज करेगा तो मुझे चलेगा, मैं सिर्फ बाय सेल करने के लिए फंड्स लेता हूं, तो मैं एक सेंट्रलाइज वॉलेट्स पे भी ये फंड्स को स्टोर कर सकता हूं, तो मैं ये एक्सचेंजेस यूज कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज वॉलेट्स और डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स। एक होता है यूरिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट, यूरिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक मिनिस्टिक वॉलेट्स, ये थोड़े एडवांस टाइप के वॉलेट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक मास्टर प्राइवेट की जनरेट होती है, मास्टर प्राइवेट की जनरेट होती है, और ये मास्टर प्राइवेट की से ना वेरियस अदर चाइल्ड प्राइवेट की जनरेट होती है, चाइल्ड प्राइवेट की,
बहुत सारी डिफरेंट चाइल्ड प्राइवेट की, और हर प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग पब्लिक की होती है, पब्लिक की, इसकी भी होती है पब्लिक की, पब की, पब की, ठीक। तो ये क्या होता है, यूरिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट के अंदर ना एक मास्टर प्राइवेट की जनरेट होती है, एक मास्टर प्राइवेट की, और एक मास्टर प्राइवेट की वेरियस अदर प्राइवेट कीज बनती है, चाइल्ड प्राइवेट कीज, और वो चाइल्ड प्राइवेट कीज की पब्लिक की। इसका मतलब है आपको डिफरेंट अकाउंट नंबर मिलेंगे, डिफरेंट अकाउंट नंबर, अकाउंट, सेकेंड, अकाउंट नंबर, अकाउंट, पेन हैंग हो रही है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, मतलब आपको एक मास्टर प्राइवेट की डिफरेंट अकाउंट नंबर, एक ही सीड फ्रेज, एक ही प्राइवेट की को यूज करके आपको डिफरेंट अकाउंट नंबर्स मिलेंगे। आप वेरियस अदर अकाउंट नंबर से ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट की, उसके डिफरेंट सीड फ्रेज को मैनेज करने की जरूरत नहीं। आप अपना एक मास्टर प्राइवेट की और एक मास्टर सीड फ्रेज होगा, उसी के थ्रू ये पूरे अकाउंट को जनरेट कर सकते हैं, जिससे चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी इंटीग्रेटेड आता है, हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर भी इंटीग्रेटेड आता है। तो ये आपको अवेलेबल में, मतलब आप अगर लेजर कंपनी में जाते हैं, आपको चाहिए यूरिस्टिक डिटरमिनिस्टिक वॉलेट, तो आप वो भी खरीद सकते हैं वहां से। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप के वॉलेट्स, ये हमारे लिए क्रिएट किए गए हैं क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के एक ऐसे वॉलेट्स बनाए गए जिसके थ्रू हम लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर अभी आप कल को आप सॉलिडिटी सीखोगे और उसमें इथीरियम, तो आप इथर्स का ट्रांजेक्शन करोगे, तो आप अपने इथर्स को स्टोर करने के लिए आपको वॉलेट्स लगेंगे। आप सॉफ्टवेयर वॉलेट्स यूज करोगे, आप हार्डवेयर वॉलेट्स यूज करोगे, आपको टेस्ट वॉलेट्स के अंदर अपने टेस्ट फंड्स रखने होंगे। तो ये सब के लिए हमें वॉलेट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, और ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के वॉलेट। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के वॉलेट्स होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे टाइप के वॉलेट्स डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे जाएंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी हमारी बाकी है, यूटीएक्सओ का सेट क्या होता है, यूटीएक्सओ के बारे में जानेंगे, माइनिंग क्या होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।